भारत में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। गर्मी से राहत देने वाली फुहारें अब सैलाब की वजह बन चुकी हैं और लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहीं नदियों में आई बाढ़ शहर के अंदर तक पहुंच गई है तो कहीं पहाड़ और पठारी इलाकों से उतरा पानी सैलाब का सबब बन गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक नाले को क्रॉस करने के दौरान बैलगाड़ी पलट गई और किसान सैलाब की लहरों में बहने लगे। पानी में बैलगाड़ी के पलट जाने की वजह से भी बैल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय लोग फौरन मदद के लिए आए, जिसकी वजह से बैलों और दो किसानों को बचाया जा सका। लोगों ने बैलगाड़ी को पानी में सीधा किया, जिसकी वजह से बैल आसानी से किनारे तक पहुँच सके। तस्वीरें चंद्रपुर के नंदा गांव की हैं। यहां के करीब 8 गांव का रास्ता इसी नाले से होकर जाता है। यही वजह है कि सैलाब आने के बावजूद किसान इस नाले को पार करने के लिए मजबूर है। पिछले 10 दिनों से भारी बारिश के बाद नाले में उफान है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी है और सैलाब को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश में मजबूत माने जाने वाली गाड़ियां भी फंस रही हैं। ये श्रीगंगानगर के कलेक्टर की गाड़ी है। कलेक्टर साहब की गाड़ी ब्रिज के नीचे से जा रही थी। ड्राइवर को अंडर ब्रिज में भरे पानी के लेवल का अंदाजा नहीं था। जैसे ही गाड़ी ब्रिज के नीचे गई, बंद हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। कलेक्टर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकली थी। कर्मचारियों ने किसी तरह से कलेक्टर को पानी से बाहर निकाला। हरिद्वार में पीएसी के जवानों को गंगा की लहरों में बह रहे दो कांवड़ियों की जान बचाने में कामयाबी मिली। गंगा में इस समय बेहद तेज बहाव है। हरिद्वार के सूर्य उदय होटल के सामने आज 17 साल का एक कांवड़िया तेज बहाव की चपेट में आ गया। पीएसी के जल पुलिस के दो जवानों ने वक्त रहते कांवड़ियों को बाहर निकाल लिया। अंकुश नाम का कांवड़िया हरियाणा के रोहतक से जल लेने हरिद्वार आया है। पीएसी के तैराक दल ने भी एक कांवड़िये को प्रेम नगर आश्रम पुल के नीचे रेस्क्यू किया। हरिद्वार में इन दिनों भीड़ और गंगा में बेहद तेज बहाव की वजह से अलर्ट जारी है, लेकिन लापरवाही हादसों की वजह बन रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद से सफर करना बेहद खतरनाक हो चुका है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से हो रहे लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के नारकोटा के पास अचानक पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। जिला प्रशासन की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी है। खांकरा के पास लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है, लेकिन प्रशासन को सड़क खोलने में कामयाबी नहीं मिली। ये लैंडस्लाइड शनिवार सुबह हुआ। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर अब बड़े बड़े बोल्डर हैं। मलबा हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है और कई शहरों में बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब वायुसेना की मदद ली जा रही है। तस्वीरें एलुरु की हैं। यहाँ ये इलाका चारों तरफ से सैलाब से घिर चुका है।
ये वजह है कि अब यहाँ से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर इस इलाके से लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वायुसेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने में हो रही है। पथरीली और गीली जमीन पर हेलीकॉप्टर को टच डाउन पोजिशन में रखा जा रहा है ताकि लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया जा सके। इंडोनेशिया की ये तस्वीरें सुनामी की याद दिला रही हैं। इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में ताकतवर हाई टाइड से हड़कंप मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि हाई टाइड में सुनामी जैसी लहरें उठेंगी। यही वजह है कि समुद्र किनारे बहुत से लोग मौजूद थे। लोगों ने दुकानों और मकानों को खाली भी नहीं किया था, लेकिन अचानक समंदर से तेज रफ्तार में लहरें उठी और समुद्र किनारे मौजूद हर चीज को बहाने लगी। लहरों की वजह से समुद्र के किनारे बने कई घर तबाह हो गए। हालांकि लोग फौरन समंदर से दूर चले गए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है।